फ्रेंड्स 90% लोग आज भी फिल्मोरा का यूज करते हैं अपने वीडियो से एडिटिंग के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो सॉफ्टवेयर है ये काफी आसान तरीके से यूज किया जा सकता है और ये लैपटॉप और पीसी में चलने वाला सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप अपनी वीडियोस की एडिटिंग बड़े आराम से बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं। जो लोग हमारे नए यूट्यूबर है जो बिगनर्स है उनके पास लैपटॉप या पीसी की सुविधा नहीं हो पाती है, ऐसे में क्या होता है कि फ्रेंड्स जो मोबाइल से अपना जो वीडियोस है वो एडिटिंग करते हैं, तो आप लोग भी अब इस ऐप का यूज करते हैं अपने मोबाइल में, क्योंकि दोस्तों फिल्मोरा जो किया है वो प्ले स्टोर में उपलब्ध है और आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके यूज करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग भी फिल्मोरा का यूज करना चाहते हैं और इसके एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आप भी अपने वीडियो से एडिटिंग करना चाहते हैं, आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से इसको यूज करते हैं और किस प्रकार से आप इससे अपने वीडियो की एडिटिंग करते हैं। दोस्तों ये काफी सरल है और काफी आसान है। आप जैसे काइन मास्टर वीएन एडिटर से अपने वीडियोस को एडिटिंग करते हैं, वैसे आप फिल्मोरा से भी अपनी वीडियोस की एडिटिंग करते हैं। चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं इसके क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है और क्या इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए या आपको और भी एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज पूछना हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले फ्रेंड्स प्ले स्टोर से आप अपना जो ये फिल्मोरा ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। प्ले स्टोर में आपको लिखना है फिल्मोरा, आप इसको सर्च कर लेंगे तो फिल्मोरा का जो सर्विस है ऐसा खुल के सामने आ जाएगा। सबसे ऊपर में न्यू प्रोजेक्ट आपको दिखता है, फिर कैमरा दिखता है, इस प्रकार से आप यहाँ से शूट करते हैं दोस्तों। ऑल इमेज में जाकर के आप यहां से कोई भी वीडियोस जो है जो फोटोज़ है जो आप वो उठा सकते हैं। दोस्तों ये सारे भी देख रहे हैं आप, ये सब एक टेम्पलेट है, इस प्रकार से देख करके यूज़ करके आप जो है अपने वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। इसमें कई प्रकार के डेमो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि ये डेमो है, दूसरा और तीसरा ये है। दोस्तों अपनी फोटोज़ को ऐड करके इस प्रकार से आप एनिमेशन देख करके रील्स या कहीं भी स्टोरी में लगा सकते हैं। और चलते हैं दोस्तों और नीचे, जिसमें कि आपको देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ हॉट टेम्पलेट। हॉट टेम्पलेट मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट है आप इसमें अपना फोटो ऐड करके या वीडियो ऐड करके आप इसके द्वारा एनिमेशन देते हैं, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। इसमें आपको एक से एक टेम्पलेट है वो देखने को मिल जाते हैं। अभी तक दोस्तों हम इसमें जितने भी चीज़ देख रहे हैं सब फोटो से वीडियो बनाते हैं ऐड करके। आपको इसमें नॉर्मल अपना फोटो लगाना है, मैं जिसमें से कोई सा भी टेम्पलेट उठा लेता हूँ और यहाँ से हम इसे यूज ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आप अपनी कोई भी फोटोज ले सकते हैं, तीन चार जो फोटो है मैं यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो आप फोटोज़ है वो आ चुके हैं आपके। इसमें जो थंबनेल टाइप के दिखाई दे रहे हैं इसको आप एक्स्ट्रा एनिमेशन देते हैं, एक्स्ट्रा फीचर देते हैं, जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस टाइप का जो है ऐसा ऐप को एनिमेशन दिखाई देगा। तो इसमें अलग अलग फीचर्स है दोस्तों फोटोज़ को एनिमेशन देने की, इस प्रकार से दोस्तों ये एनिमेशन दिखाई दे रहा है। तो इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप इसमें कई सारे ऑप्शन अपने फ़ोटोज़ पे यूज़ करते हैं और आप इस प्रकार से इंपोर्ट करके डाउनलोड करते हैं। तो इसमें जो भी आपका फ्री वाला एनिमेशन होगा वो आपको ढूंढ के इसमें सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करने में कोई पैसा या कोई भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं पड़ेगा। इसमें दोस्तों कई सारे ऐसे टेम्पलेट हैं जो कि कुछ पेड वाले हैं और कुछ जो है फ्री हैं, तो फ्री वाला आप यूज़ करेंगे तो आपको इंपोर्ट करने में परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अब चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे, जो कि इस वीडियो का सबसे ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है। अब आपको दोस्तों इसमें कोई सी भी वीडियोज़ ले लेनी है, यहाँ से इंपोर्ट कर लें। दोस्तों वीडियो एडिटिंग क्या होता है, वीडियो एडिटिंग में खराब पार्ट होता है, जो वेस्ट पार्ट होता है उसको आपको निकालना होता है, तो उसी में हम इसमें ट्रिम करते हैं, कटिंग करते हैं और ट्रिम के ऑप्शन पर आते हैं। जहाँ से जहाँ तक आपको ट्रिम करना है वहाँ तक आपको, जैसे मुझे यहाँ तक करना है, यहाँ से आप इसको अलग करके और इतना जो कि वेस्ट पार्ट है आप यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, जो भी आपका ख़राब पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा। अगर आपको थोड़ा स्लो मोशन चाहिए तो आप देखते हैं यहाँ पे स्पीड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। दोस्तों आपको मैंने ट्रिम का ऑप्शन समझा दिया और स्पीड का ऑप्शन समझा दिया मैंने आपको। दोस्तों यहाँ से फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है एनिमेशन का, यहाँ से आप एनिमेशन देते हैं अपने किसी भी वीडियो के पार्ट को कट करके। जैसे मेरा ये वाला पार्ट मैं ले लेता हूँ और यहाँ से आप एनिमेशन देते हैं, ये देखिए दोस्तों ये इसको और एनिमेशन चाहिए तो आपके आपको जो इसमें वीडियो है उसको थोड़ा सा आगे ले जा करके यहाँ पे रोक करके इस पर क्लिक करना है आपको। अब बैक आकर के यहाँ पे पहले आपको कट लगाना है और आपको जैसे इस पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके एनिमेशन पे जा करके आप इसमें कोई सा भी अपने हिसाब से एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। 90% लोग तो यहाँ से दोस्तों अपने वीडियोज़ के जो वॉल्यूम है वो अप डाउन करते हैं, अगर आपकी वीडियोज़ में वॉल्यूम कम है तो उसके वॉल्यूम को आप यहाँ से तेज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप वॉल्यूम डाउन भी कर सकते हैं। तो ये आपका वॉल्यूम को का लेवल को घटाने बढ़ाने वाला है, इसको आप अपने वीडियो हिसाब से मैनेज करते हैं। यहाँ पे आप अपने वीडियोस को क्रॉप करते हैं। एक्स्ट्रा ऑडियो का मतलब दोस्तों ये होता है, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा बैकग्राउंड साउंड लगाना है या कोई भी आपको इसमें एक्स्ट्रा एक्शन साउंड लगाना है आप इसमें वो ऐड करते हैं।
अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, 3-4 ऑप्शन इसमें है, ऐड म्यूज़िक, इफेक्ट, एक्सट्रैक्ट ऑडियो और रिकॉर्ड। तो ये सब भी इसमें यूज़ करते हैं अपने वीडियोज़ के लिए। यहाँ पे ऐड म्यूज़िक में जा कर के आपको ऑनलाइन सर्च करना है, तो आप यहाँ से जितने भी लिस्ट है आप यूज़ करते हैं दोस्तों। इसमें आपको काइन मास्टर तरफ से वॉइस है वो मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। और आपको अगर इसमें से नहीं चाहिए तो आप अपनी फाइल में जा कर के आपने जहाँ भी सेव किया है वहाँ से आप, तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है जो आप अपने वीडियोज़ में इफ़ेक्ट के साथ साथ वॉइस भी दे सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी कोई भी एक्स्ट्रा आवाज़ भी रिकॉर्ड करके इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन को आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आते हैं टेक्स्ट पे। अगर आपको दोस्तों टेक्स्ट कोई कुछ अपने फ़ोटोज़ पे या वीडियोस पे कुछ टेक्स्ट लिखना है उसके नीचे ऊपर कहीं भी, तो टेक्स्ट प्लस में जा कर के आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी कलर का फॉन्ट यूज़ करते हैं, कोई भी कलर इसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं येलो कलर यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मुझे अपना नाम लिखना है चैनल का, जो भी कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं रवि लेता हूँ, रवि टेक्निकल। और यहाँ से राइट के निशान पे क्लिक करके आप इसे सेट करते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको हम छोटा कर लेंगे, या अपने वीडियोस के मुताबिक जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आप इसको ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये टेक्स्ट जो फॉर्मेट है आप इसको यूज़ करते हैं अपने वीडियोज़ के लिए। और इसमें काफ़ी सारे कलर है, जैसे नीला है, हरा है, गुलाबी है, बहुत सारे कलर है। यहाँ आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करते हैं दोस्तों। बॉर्डर चेंज करना है तो बॉर्डर लाइन भी आप इसमें चेंज करते हैं दोस्तों। जो भी आप देख रहे हैं, जो इसका जो फ्रंट है, फ्रंट साइज़ का जो चादर का बॉर्डर होता है उसकी भी यहाँ से आप कलर चेंज करते हैं। शेडो भी लगाते हैं इसमें अपने हिसाब से, आप शेडो आप यूज़ करते हैं। और लेवल जितना बड़ा या छोटा आपको रखना है ये आप यहाँ से एडजस्ट करते हैं। जो भी फ्रंट का आपका जो साइज़ है उसको आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आ गया फॉर्मेट, ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको उंगली से स्क्रॉल नहीं करना। अगर आपको अपनी उंगली से स्क्रॉल करना है तो करते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट बिना स्क्रॉल करे भी यहाँ से आप सेट करते हैं। तो ये पोजीशन चेंज करता है, जैसा कि आपको नाम से मालूम हो गया होगा। तो दोस्तों टेक्स्ट में इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप अपने हिसाब से, ज़्यादा इतना बारीकी नहीं समझाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो है ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। तो मैंने जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। टेम्पलेट भी आप इसमें दे सकते हैं दोस्तों, ये कुछ टेम्पलेट है, इसको देख करके भी आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को डिज़ाइन करते हैं अपने वीडियोज़ के लिए। यहाँ से हम बैक हो लेते हैं, और दोस्तों इसमें आ गया रोटेट का ऑप्शन। अब जो वीडियोज़ है फ़ोटोज़ को आप रोटेट करते हैं, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट, यहाँ से मिरर। जैसे कि आप फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाते हैं तो कुछ भी चीज़ें जो होती है वो उल्टी हो जाती हैं फ्रंट कैमरे से, जब हम उसे ऐड करते हैं वीडियो में। तो हमें कुछ लिखा हुआ दिखाना होता है वो भी आपका जो है सब कुछ उल्टा रहता है। तो दोस्तों आप यहाँ से सीधा भी करते हैं इस प्रकार से, ये ऊपर नीचे फ्लिप भी करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ ज़्यादा कोई इतना कठिन नहीं है। और बाकी दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको मैंने जो मेन मेन ऑप्शन थे उसमें मैंने आपको बता दिए। वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो रही थी तो इसलिए आपको मेन मेन जो ऑप्शन है जो उसमें आप यूज़ करते हैं, जो कि डेली यूज़ के लिए आपको बताने वाला जो ऑप्शन था वो आपको मैंने बता दिया दोस्तों। और जैसे कि आपको मैं ये बता दूँ, ये फ़िल्टर है, इसमें आप ये फ़िल्टर यूज़ करते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपका फ़िल्टर है। मुझे तो लगता नहीं आपको इसमें ज़्यादा कुछ खास इसमें समझाने जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और यहाँ से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं अपने वीडियोस के फ़िल्टर्स को, या कोई भी अगर आपको अपने वीडियोस का कॉन्ट्रास्ट लेवल हाई करना है तो आप यहाँ से करते हैं, सेचुरेशन हो गया आपका ये। तो ये सब भी आप अपने वीडियोस में यूज़ करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में इतना ही हम रखते हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, नेक्स्ट वीडियो चाहिए फिल्मोरा का, तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं और भी बना के लाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं समझा सकते। तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इसमें एडिटिंग से जुड़े और भी चीज़ें मैं आपको लेके आऊँगा और बताऊँगा। और आपके इस प्रकार से सारी वीडियोज़ एडिटिंग होने के बाद में आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, और यहाँ से आपको साइज़ और कितने पिक्सल का आपको वीडियो उसमें रखना है। अगर आप इसमें कुछ अमाउंट डालते हैं तो आपका दोस्तों यहाँ से जो वाटर मार्क है वो रिमूव हो जाएगा, और आपका जो है और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी में 2K तक, 4K तक इसमें आपका जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई पैसा नहीं देना, 720 पिक्सल तक ही आप इसमें जो कि है फ्री में आप यूज़ करते हैं अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए। आप इसमें कुछ पैसा इसमें पे करते हैं तो आपको इसमें एक्स्ट्रा HD में देखने को मिलेगा, और इस प्रकार से आपकी जो वीडियो है आपसे एडिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने फिल्मोरा के बारे में सीख लिया होगा कि आप फिर किस प्रकार से आप अपने वीडियोस को फिल्मोरा में एडिटिंग करते हैं। इसमें दोस्तों जो भी मेन मेन ऑप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए।
तो फ्रेंड्स आपने फिल्मोरा का यूज़ करना सीख लिया होगा, क्योंकि मैंने दोस्तों इसमें जो भी मेन मेन टॉपिक है, जो भी मेन मेन इसमें ऑप्शन थे आपको मैंने बता दिए। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा जरूर।